अबे अटैक कर रहा है। ओए 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 ओए, या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह मदद कर। बहुत ऊपर आ चुका हूँ, सारे के सारे छोटे छोटे देख रहे हैं चूटों की तरह। ये लो। अरे भाई साहब ये चेक करें, चील के बच्चे। अबे इनके अंदर भी कीड़े चल रहे हैं, बच्चों के अंदर भी कीड़े चल रहे हैं, ये चेक करो। उस्ताद चील के घोंसले के ऊपर चेक करो क्या क्या चीजें। वही बच्चा उठ रहा है, बच्चा उठ रहा है। अपने सर बचाओ, आंखें बचाओ, आंखें बचाओ, आंखें बचाओ। अबे उस्ताद फुल खतरनाक चीलें आ रही है चारों तरफ से। क्या हुआ, जख्मी कर रही है? अच्छा बस बस सेट, टेंशन नहीं ले, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। उसामा निकल। क्या हुआ, क्या है? जल्दी निकल, जल्दी निकल। जल्दी आ, जल्दी आ, एमरजेंसी है, एमरजेंसी है, जल्दी आ, आधा रास्ता हो गया, जल्दी आ। अबे भाई बता दो ये कितना मजा आएगा यार। अबे कहाँ ले आए यार? अबे यही जगह थी। क्या हुआ, क्या है? अबे सर फट गया, जख्मी हो गए, मरम पट्टी हो गई, बच्चे की आग लेके चली गई। क्या? अबे यार उस बंदे को ढूंढते जिसने बुलाया था यार, कहाँ है वो? भाईजन कहाँ पर हो, आपकी लोकेशन पे आ गए। भाई आपको इधर बोला था ना, उधर ही मौजूद हूँ। कहाँ पर? ऊपर दरख्त है, यहाँ कढ़ाई है, नीचे टायर है, पीछे मेरा दरख्त है। भाई कढ़ाई के अंदर बैठा हूँ मैं। कढ़ाई के अंदर? अरे भाई साहब इंसान कढ़ाई के अंदर बैठा हुआ है। भाईजन क्या हो गया आपके साथ, खैरियत तो है? ये सर भी फटा हुआ है आपका, पट्टी वट्टी बांधी हुई आपने। भाई मैं आपको क्या क्या बताऊं मिश्कात भाई, मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक मिनट यार, अंदर आके दास्तान सुनते हैं तुम्हारी, हम भी कढ़ाई में आ जाते हैं। भाई मिश्कात भाई आपको सामने वाला घर दिख रहा है? फर्स्ट फ्लोर वाला। फर्स्ट फ्लोर वाला सही है, वो हमारा घर है। सही है। अब वहाँ पे एक घना दरख आपको दिख रहा है, वो नीम का दरख। नीम का दरख सही है। उसके ऊपर चील के जोड़े ने ना अंडे दिए थे तकरीबन 4-5 महीने पहले। सही है। अभी उसने अंडे दिए थे, अभी माशाल्लाह बच्चे भी निकल आए उसमें से। सही। दो बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन वो ना अटैकिंग मूड पे आ गई चील, अब वो मार रही है बच्चों को। ये देखें आप मेरे सर पे, उसने अटैक करा है कल। एक साल पहले आपने तकरीबन 2 बच्चे पाले थे चील के, ठीक है? बड़े भी कर दिए थे, फिर आजाद कर दिया था उनको। तो हम ये चाह रहे हैं सोसाइटी वाले कि आप उन दोनों बच्चों को पाल लें, उनको आप ले जाएं यहाँ से। यार तो आप लोग एक काम करो ना, आप लोग नीचे उतारो बच्चों को और आप लोग पाल लो। नहीं हमारे बस का नहीं है ना ये मिश्कात भाई। अच्छा लेकिन चेक करो, दरख काफी ऊंचा है, ऊपर से अटैक वटैक भी कर सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन मिश्कात में मैंने देखा आप एक दफा कोई चीज ठान लेना वो करके छोड़ते हैं। फिर एक काम करो, हेलमेट लेकर आओ, ताकि अटैक करे तो सर पे अटैक ना करे, क्योंकि चील ना आग भी ले जाती है, बहुत खतरनाक होती है और बच्चों के मामले में बहुत सेंसिटिव होती है। और सीढ़ी लेकर आओ, दरख पे चढ़ते हैं और छत पे लेके जाओ सीढ़ी वगैरह ना। ये क्या पूरा फोड़ा हो गया है, तो पंजा मारा था ये, दिखाओ करीब से दिखाओ। अबे उस्ताद पहले तुम्हें मारा था, मतलब चीलें यहाँ अटैक करती हैं बहुत ज्यादा, तो इनको गोश्त वगैरह नहीं देते तुम लोग? कैसे देंगे? बहुत ऊंचा दरख्त है, दरख तो बहुत ऊंचा है, तो फिर जान छत से भी ज्यादा ऊंचा जा रहा है, काफी ज्यादा। नहीं भाई छोड़ो यार, घर चलो, जान पे खेलोगे क्या? इतनी मोटी अचानक से निकली गई, काबर कितनी मोटी थी देखी थी तुम लोगों सबने देखी ना। अबे इतनी बड़ी लिजर्ड यहाँ से ऊपर चढ़ के गई है, यहाँ से दरख से यहाँ दीवार फलांग मार के निकल गई। अबे उस्ताद इस सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अबे भाई देख ले खतरा है। चील को बोलना यहाँ तो छुपका लिया, नेवले क्या क्या है, कहाँ बुला लिया। अबे भाई मिसाद में यहाँ से चल लो यार। यार करते हैं ना एडवेंचर, करते हैं चील के बच्चे उतारते हैं। तो भाई सीन ये है कि सोसाइटी वालों ने हमें बड़े एतमाद से, बड़ा बिलीव करके, भरोसा करके बुलाया है, तो अब इनको मना करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, ये चेक करो, इतने छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। और आपके भाई ने अभी देखा यहाँ पर ना चीलें नीचे आ रही हैं, मतलब जमीन तक आ रही है और इन पे अटैक वटैक कर रही है। ये देखो चील क्या कर रही है, वो देखो 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 ऊपर देखो ऊपर देख, बहुत ज्यादा चीले और ऊपर चढ़ी हुई थी, अभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी, एक दूसरे से भी लड़ रही है, ये तो इंसानों का क्या हाल करेंगे। उस्ताद यहाँ पर बहुत खतरा है, मुसलसल चीलों की आवाजें आ रही है और इन्होंने बड़ा खतरनाक काम दिया है, क्योंकि चील के घोंसले से चील के बच्चे निकालना कोई आसान काम नहीं है। अभी सीढ़ी लेकर आ रहे हैं, हेलमेट लेकर आ रहे हैं, फटाफट काम करते हैं, कार्रवाई करते हैं। चलो आओ भाई एडवेंचर के लिए तैयार हो। वही कहाँ है वो लड़का, कहाँ है जख्मी वाला? ये देखो यहाँ पर भी एक घोंसला है, ये जो दरख्त है ना लंबा ऊंचा वाला, ये दरख्त है, इसके ऊपर चील का घोंसला है। फुल चरांदी अंकल थे भाई, अबे एक तो उनकी सोसाइटी का काम कर रहे हैं, ऊपर से चरांदे कर रहे हैं, अजीब यार। मतलब फाइनली सीढ़ी आ चुकी है, काफी लंबी सीढ़ी है, और दरख्त जो है ना वो सामने वाला है, वो सामने वाला दरख्त है, उसके ऊपर चढ़ना है अभी।
बहुत खतरनाक सीन है, क्योंकि कोई आसान काम नहीं है। काफी ऊंचा दरख्त है, मतलब ये 2 मंजिला दरख्त है, ये चेक करो, 1 मंजिला 2 मंजिला वो ऊपर टॉप पे चील का घोंसला है। अल्लाह खैर करे, उसामा भाई बहुत हिम्मत करनी होगी। आप मेरे साथ हो या नहीं हो? भाईजान मैं आपके साथ नहीं हूँ। पार्टी बदल लिया साला। दोस्तों अभी से चीले आ गए सारी के सारी, आवाजें भी आ रही है मुसलसल ना, चू चू ये वाली चील की आवाज आ रही है। खुदा के वास्ते हेलमेट पहन लो, और मैं तो इधर छज्जे के नीचे बैठ रहा हूँ। अबे भाई साथ रहे यार, साथ रहे, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया मेरा चैनल कौन चलाएगा? ये तो वही वाली बात हो गई, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, हम दोनों साथ डूबेंगे ना यार। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक काम करो यहाँ से उठाओ सीढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन घोंसला काफी ऊपर है, टॉप पर है घोंसला, वो चेक करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो यार, अटका दो ऊपर जाके, अटका दो यार। ये घोंसला ना बहुत ऊपर है, ये चेक करो, इतना ऊपर घोंसला दिया है, यहाँ से हमें चील के बच्चे उतारने हैं अभी। अरे भाई साहब, ये सोसाइटी के सारे बच्चे ना बहुत ज्यादा तंग थे, इस बच्चे पे भी अटैक किया था, बता रहा था मुझे। ये देखो हल्की सी खराश भी यहाँ पर मारा था चील ने। तुम लोग पे भी अटैक करती है? है, मारती है चील, तो तुम लोग उसको बैट से मारा करो ना, इस बैट से भगा दिया करो, नहीं भागती है, फुल खतरनाक है, पंजे मारती है ना, सर पे मारती है। वे उस्ताद, यहाँ पर हमने सीढ़ी लगाई, चीले आ गई, वो चेक करो लाइन से सारी चीले आ चुकी हैं, अभी नीचे भी आई थी ना, और फिर नीचे तक आई थी चीले, ओए 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 वो आ गई, वो आ गई, अपने सर बचाओ, आंखें बचाओ, आंखें बचाओ, आंखें बचाओ, चील आ रही है, ओए बेटा तुम उधर जाओ, तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी, तुम्हें उठा के ले जाएगी। अबे उस्ताद फुल खतरनाक चीले आ रही है चारों तरफ से, अबे ओए ऊपर आ गई चीले, आ गई, वो चेक करो, वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, ये चेक करो, चील ऊपर बैठी हुई है ताक में, और इसने 2-3 बार खतरनाक अटैक किया भाई। चले भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबे उसामा भाई, हाँ हाँ मैंने दुआएं पढ़ ली सारी। चलो भाई हेलमेट आ चुका है, हेलमेट पहनते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ये बांध है नीचे से, चील ना अटैक कर रही है असल में ना, वो दुआ करना सारे, सही है, बहुत खतरनाक काम कर रहा हूँ। आपके भाई का दिल धक धक कर रहा है, धक 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 धक, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अबे तू क्या आसरा है? आपका भाई जा रहा है फाइनली ऊपर, बहुत ऊपर है, ये चेक करो, वो ऊपर घोंसला, मैं इतना ऊपर कभी चढ़ा नहीं हूँ। ओए होए, अबे बहुत ऊपर है ये तो। 2 खतरे हैं यहाँ पर, एक तो दरख्त बहुत ऊंचा है ऊपर से, दूसरा चील का खतरा है। या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह मदद कर। वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे चील के बच्चे उतारते हुए, लेकिन चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होता है, तो इंसानों को नुकसान पहुँचा रही है, इसलिए हमें उतारना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे यार उनके बच्चों को बहुत हिफाजत से रखें, पहले भी हमने बच्चे पाले थे और बहुत अच्छे तरीके से रखे थे, फिर बाद में आज़ाद कर दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ऊपर आ चुका हूँ, सारे के सारे छोटे छोटे देख रहे हैं चूटों की तरह। एक हाथ से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, एक हाथ से चढ़ रहा हूँ, अरे बहुत खतरनाक एडवेंचर है यार। बिल्कुल चील का घोंसला मेरे ऊपर आ चुका है, वो चील आ तो नहीं रही, सीढ़ी खत्म हो चुकी है, घोंसला मेरे बिल्कुल ऊपर है। भाई साहब चेक करें, आपका भाई फुल दरख्त के ऊपर चढ़ चुका है, और सामने 2 चील के बच्चे, और इनको आपका भाई उतार रहा है। और उस्ताद वही तो अटैक कर रहा है। अरे भाई साहब ये चेक करो, चील के घोंसले के ऊपर अभी बच्चा उठ रहा है, वही बच्चा उठ रहा है, बच्चा उठ रहा है। इन 2 बच्चों के चक्कर में ना पूरे मोहल्ले का कबाड़ा हो गया, चीले बहुत ज़्यादा अटैक कर रही हैं। उसामा तू टेंशन मत ले यार, क्या हो गया, तू कब से फट्टू हो गया? फिर उसामा भाई क्या करूँ, उतारूँ? अबे यार देख लो, बहुत तेरे मुँह पे पर आ गया, चील का पर भी आ गया, कीड़े भी चल रहे हैं यार, उतारूँ? बिस्मिल्लाह करो। अरे भाई साहब, अरे ओए ओए अपनी मामा को बुला रहे हो, अम्मा को बुला रहे, अबे अटैक कर रहा है, ओए 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 ओए, खतरनाक अटैक कर रहा है यार। अरे भाई साहब ये तो कैमरे पे अटैक कर रहा है यार, उतारने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन इन चील के बच्चों की वजह से चील के माँ बाप बहुत ज़्यादा अटैकिंग मूड पे आ रहे हैं, बहुत सोसाइटी वालों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसलिए मजबूरन मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा इन बच्चों को उतारने का, लेकिन मजबूरी में हमें उतारना पड़ रहा है। चलो बेटा आ जाओ, सामने बच्चा दे रहा हूँ तुम्हें, सही है? कामा हाँ, ये लो चील का बच्चा, ये ले पकड़, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये लो सामा सामा, ये लो, सही है, उतर गए दोनों, उतर गए। इनके नाखून बहुत खतरनाक है मिश्कात भाई, डब्बा मंगवा, अबे मैं गिर ना जाऊं यार, डब्बा मंगवा जल्दी, ओए जख्मी भाई डब्बा लेकर आ यार जल्दी से, डब्बे में डालो दोनों को डालो, जल्दी डाल जल्दी डाल, ओए मेरा हाथ चल हो रहा है बिल्कुल सामा, हाथ चल हो रहा है यार, बस सही है, नीचे पहुंचा दे, ये लो ये पकड़ो यार। तुम लोग के लिए इतना खतरनाक किस्म का एडवेंचर करता हूँ और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, आपके भाई का दिल टूट जाता है। चील के घोंसले के अंदर आपको चीजें दिखाऊं क्या क्या है, ये देखो सिगरेट का डब्बा, अबे सिगरेट का डब्बा इसके अंदर, मतलब चीले सिगरेट भी पीती है। उस्ताद चील के घोंसले के ऊपर चेक करो क्या क्या चीजें,
ये बच्चे का सॉक्स पड़ा हुआ है। ओए तुम लोगों में से किसी का सॉक्स है? ये किसका सॉक्स है? ये पकड़ो अपना सॉक्स पकड़ो। सॉक्स पड़ा हुआ तुम्हारा? ब्लू वाला सॉक्स तुम्हारा था? ब्लू कलर का। ये बच्चा कब से सॉक्स ढूंढ रहा है? अबे ऐसा ना हो पैसे वैसे लेके भी गायब हो जाए सारे घर के। चेक करो बॉल का जो लेदर होता है ना वो पड़ा हुआ है। अबे उस्ताद क्या क्या चीजें इसके अंदर? आपने ऐसा खतरनाक मंजर देखा है? चील के घोंसले के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ओए बॉल और भी पड़ी हुई है। ये लो बॉल का कवर पड़ा हुआ है। भाई साहब चेक करो इतना खतरनाक किस्म का एडवेंचर हो रहा है। और यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट भाई सब्सक्राइब कर दो। चेक करो आपका भाई कितनी ऊंचाई पे खड़ा हुआ है और वो भी चील के घोंसले के अंदर। आहा अल्लाह का शुक्र है बच्चे सलामत थे। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनकी सही तरबियत करें, सही इनका प्रॉपर तरीके से ख्याल व्याल करें, क्योंकि जाहिर सी बात एक जान है यार। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सोसाइटी के सारे बच्चे सारे लोग महफूज हो गए, क्योंकि चीलें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं यहाँ पे और अटैक कर रही हैं और ज़मीन तक आ जाती हैं। ओए मेरा हेलमेट पकड़ ले, हेलमेट बस सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह मदद कर। यार चील यार हमें माफ़ कर देना, तुम्हारे बच्चे लेके जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी तो हमारे बच्चों को मार रही थी ना यार। तुम लोग एक काम करो, कहीं दूर पहाड़ों में अपने बच्चे बच्चे बनाओ, हमारे शहर में नहीं करो यार प्लीज़। सही है ना चील बहन भाई? ओके माशाल्लाह काफ़ी बड़े बच्चे हैं, ये चेक करें इंशाल्लाह सर्वाइव कर जाएंगे हमारे पास। और मुझे लगता है गोश्त वोश्त खाना। ओबे उस्ताद उनके पंजे बहुत तेज़ हैं, उफ़ पंजे बहुत तेज़ हैं इनके, ये चेक करो पूरा ना छिल रहा है यार। पता नहीं घोंसले में क्या चीज़ थी, इतने खतरनाक किस्म के कीड़े थे कि मुँह के अंदर जा रहे थे, नाक के अंदर जा रहे थे। भाई जान खुश हो आप फाइनली? भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने चील के बच्चे को उतारे, हमें बस इस टेंशन से आजाद कर दिया है। सारे सोसाइटी वाले खुश हैं आप? सही है, अब इंशाल्लाह चील तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि चील जब भी अटैक करती है ना अपने बच्चों के लिए करती, अब बच्चे ही नहीं होंगे तो अटैक क्यों करेगी, है ना? दिमाग दिमाग। यार सोसाइटी वालों तुम लोग ने मतलब चाय का भी नहीं पूछा, पानी का भी नहीं पूछा यार, तीन जगह से हाथ छिला है, ये देखो काला भी हो गया। अबे चील के घोंसले के अंदर सिगरेट के डब्बे, चील यानी चर्ची थी, सुट्टे लगाती थी सुट्टे, और वो भी भरी हुई सिगरेट है। वो चील के रूप में कोई इंसान हो कोई जिन्ना, अबे अलग ही मतलब मैंने माहौल देखा, चील का घर देखा अंदर से जाके, अबे अलग ही माहौल यार, क्या क्या चीजें पड़ी हुई है। पता नहीं एक इतना बलून टाइप का था कुछ इतना बड़ा, पता नहीं क्या था वो समझ नहीं आया, बलून पड़े हुए थे, बलून व्हाइट कलर के बलून थे इतने बड़े बड़े। तार बार हर चीज ले जाती है ना वो अपने घोंसले में जो भी। चलो भाई आज फुल खतरनाक एडवेंचर हो गया, अब हम लोग आ गए नमाज पढ़ने यहाँ पर। सोसाइटी के अंदर ही मस्जिद है और बहुत ही प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह से। उसामा भाई माशाल्लाह वजू कर रहे हैं, मुन्ना भी वजू कर रहा है फुल माशाल्लाह। भाई आपको मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ, आप कोई भी काम करें ना दुनिया में, कोई भी काम करें, कोई जॉब करें, कोई बिजनेस करें, लेकिन नमाज आपको किसी हालत में नहीं छोड़नी, क्योंकि आप नमाज पढ़ोगे आपके अंदर एनर्जी वापस आ जाएगी। अभी आपका भाई डाउन डाउन फील कर रहा है, लेकिन जब वजू करेगा ना आपका भाई फुल दोबारा से चार्ज हो जाएगा। नबी का लब पर जो जिक्र है वे मिसाल आया कमाल आया। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार व खलकल فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ। तो भाई आज तो आपका भाई फुल टाइट वाला थक चुका है भाई, खतरनाक एडवेंचर था, क्योंकि आपका भाई सोच रहा है तीन मंजिला तक का दरख्त था और उसके ऊपर चढ़ के आपके भाई ने चील के बच्चे उतारे। तो भाई उम्मीद है आज के व्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, अगर मजा आया तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और कॉन्टेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा अगर किसी के घर कोई और मसले मसाइल हो, कोई जानवर आ जाए, कोई बला आ जाए तो बुला लेना, हम लोग यार भूत भी उतार लेते, सब कुछ कर लेते, टेंशन की बात नहीं। तीसरे में तुम चौथे में पौए हो। अल्लाह हाफिज़।